लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार। अक्टूबर का महीना चालू हो गया और हम लोग जानते हैं कि हर साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन दो तीन महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है उस पराली का धुआं पूरे केवल दिल्ली में नहीं कह रहा मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि किसान अगर पराली जलाने के लिए मजबूर होता है तो सबसे ज्यादा धुआं तो उसको बेचारे उस किसान को और उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल्ली तक आते आते तो धुआं थोड़ा कम हो जाता होगा, वो गांव के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके ऊपर आसपास के राज्य जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अपना पोल्यूशन है इसको कम करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में आप सब लोगों ने मिलकर, दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ दिल्ली के लोगों ने अपना प्रदूषण बढ़ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर हर शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, 100 चीजों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली ने एक शानदार काम ये करके दिखाया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ी, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ने की बजाय 2014 से 2019 के बीच में प्रदूषण एक्चुअली कम हुआ है। पीएम 2.5 2014 में एवरेज था 154 और पीएम 2.5 2018-19 में था 115, 25% कम हो गया। ये आप लोगों ने करके दिखाया, दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया, पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए। इस साल ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, इस कोरोना के दौर के अंदर ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो पिछले 5 साल में हमने कई सारे कदम उठाए, हमने बिजली 24 घंटे की, 24 घंटे बिजली करने की वजह से जितने छोटे 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 जनरेटर से चला करते थे वो सारे बंद हो गए, उससे प्रदूषण कम हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बना, केंद्र सरकार ने बनाया, उसकी वजह से काफी सारे ट्रक जो रात को दिल्ली में एंटर किया करते थे वो एंटर करने बंद हो गए। जो दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज गंदा फ्यूल इस्तेमाल करती थी, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करती थी जिससे धुआं बहुत निकलता था, प्रदूषण बहुत फैलता था, उसको हम लोगों ने बंद किया। और पीएनजी होता है वो फ्यूल जो कि साफ सुथरा फ्यूल होता है, हमने सारी इंडस्ट्रीज को जबरदस्ती करके उसके ऊपर शिफ्ट करवाया। मोस्टली इंडस्ट्रीज को, थोड़ी बहुत रह गई है उस पर भी अभी काम चल रहा है, वो एक बहुत, उससे काफी प्रदूषण कम करने में मदद मिली। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स होते थे वहां पे चलान करके, एनफोर्समेंट करके उनके यहां डस्ट का पोल्यूशन कम करवाया। प्लांटेशन किया बहुत बड़े स्तर के ऊपर पूरे दिल्ली के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे ग्रेडेड एक्शन प्लान के उसको लागू किया। लेकिन अभी अपने को संतुष्ट नहीं होना, अभी अपने को पोल्यूशन को और भी बहुत कम करना है। और खासकर इस साल जब कोरोना का साल है, ये इस कोरोना के साल में अपने को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पोल्यूशन कम करना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना हुआ, कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्ट तो लंग्स होते हैं, और अगर लंग्स की बीमारी है उसमें प्रदूषण तो और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, जैसे पिछले 5 साल में आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने प्रदूषण को कम किया। अब आने वाले समय में भी, अगले 3-4 महीने में हम प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। आज मैं आपको कुछ एक उसके पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन अभी अपने को आने वाले समय में और नए नए हम इसमें एक्टिविटीज ऐड करते जाएंगे।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीटिंग ली थी सभी विभागों की, और उसमें सभी विभाग इसमें अब इस पूरे युद्ध के अंदर शामिल हैं। तीनों एमसीडी शामिल हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग शामिल हैं, दिल्ली सरकार शामिल है, डीपीसीसी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट शामिल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शामिल है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शामिल है, सभी डिपार्टमेंट्स मिलके और दिल्ली की जनता मिलके इसको सक्सेसफुल करेगी। इसमें सबसे पहली चीज है, हर साल पराली की समस्या से हम लोग जूझते हैं। सब लोगों ने बहुत कोशिश की, जो आसपास की राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत कोशिश कर रही हैं, केंद्र सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इस साल हमारा पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो खेती के ऊपर रिसर्च करता है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका एक बड़ा सस्ता और सरल उपाय ढूंढा है। उन्होंने एक घोल बनाया है, उस घोल को अगर आप छिड़काव कर दें अपनी पराली के ऊपर तो पराली का डंठल जो है वो गल जाता है और वो खाद में बन जाती है। इस बार दिल्ली के अंदर जितनी भी खेती होती है, सारी जो भी जहां पराली होती है नॉन बस बासमती राइस के खेतों में, वहां पे दिल्ली सरकार खुद ये घोल बनवा के खुद ये छिड़काव करने जा रही है। अगर दिल्ली में ये सफल हो जाता है इस बार, तो शायद अगले साल से हमें पराली, फिर हम आसपास की सरकारों को भी कह सकते हैं भाई हमने किया आप भी करो, तो वो भी कर सकते हैं, तो शायद इससे हम सब लोगों को इससे निजात मिल सकती है। तो दिल्ली में ये घोल बनाने का कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये घोल तैयार कर रही है पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में। कल मैं ये देखने के लिए भी जाऊंगा वहां पे जब घोल बनना शुरू होगा। दूसरा, मिट्टी की वजह से, मिट्टी उड़ती है उसकी वजह से काफी पोल्यूशन होता है, तो मिट्टी के उड़ने के रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत कई सारे एक्शन प्लान हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां से बहुत मिट्टी उड़ती है, तो वहां पे मिट्टी को रोकने के लिए हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जाएंगी। अगर वहां पे कई सारे स्टेप्स लेने होते हैं उनको मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए, अगर उन्होंने नहीं लिए चालान करते हैं हम लोग, सख्ती करते हैं उनके साथ ताकि कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी ना उड़े। उसी तरह से बहुत सारे मैकेनिकल स्वीपर्स पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी वाले मैकेनिकल स्वीपर्स चलाते हैं ताकि झाड़ू लगाने की वजह से जो मिट्टी उड़ती है मैकेनिकल स्वीपर्स चलाने से मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। सड़कों पे जो गड्ढे हैं, अगर गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स होते हैं, ट्रैफिक चलता है उससे मिट्टी उड़ती है, तो आज मैंने आदेश दिया है सबको भी अपने अपने जो जो जिस जो जो सड़क जिस जिस एजेंसी के अंडर में आती है सारे अपने गड्ढे भरो, तुरंत भरो ताकि मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। एंटी स्मॉग गन्स काफी बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह लगाई जा रही है ताकि इससे इसको रोका जा सके, और भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं एंटी डस्ट कैंपेन के तहत। हॉटस्पॉट्स 13 पॉइंट्स ऐसे हैं पूरी दिल्ली में जहां पोल्यूशन ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर उस एरिया के अंदर, उन हॉटस्पॉट्स के अंदर जहां कुछ कुछ कॉलोनीज हैं जहां ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और इन हॉटस्पॉट्स, हर हॉटस्पॉट का एक अलग कार्यक्रम बनाया है, डिटेल्ड प्लानिंग की है सरकार ने कि इस हॉटस्पॉट के अंदर पोल्यूशन किस वजह से फैल रहा है, यहां पे मिट्टी ज्यादा उड़ रही है, या यहां ट्रैफिक ज्यादा है, या यहां पे खुली हुई मिट्टी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, किस वजह से है, और हर हॉटस्पॉट का स्पेसिफिक प्रोग्राम बना के उसको वहां लागू किया जाएगा ताकि वहां पे पोल्यूशन को रोका जा सके। एक ऐप बना रहे हैं इस बार, ग्रीन डेली ऐप, वो इसी महीने बन के तैयार हो जाएगा। वो आप उसको डाउनलोड कीजिए अपने फोन में, और अगर कहीं किसी तरह का आपको पोल्यूशन दिखाई दे, आपको दिखे यहां पे कूड़ा जल रहा है, आपको दिखे यहां पे ये ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, कोई ट्रक ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, आपको कोई चीज कहीं दिखाई, कोई इंडस्ट्री दिखे आपको, कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई दे जो आपको लगे पोल्यूशन फैला रही है, आप उसकी फोटो खींच के और उस ऐप के ऊपर आप शिकायत कीजिए। हर शिकायत के लिए हमने डेडलाइन रखी है, इस तरह की शिकायत इतने घंटे में सॉल्व होगी, इस तरह की शिकायत 2 दिन में सॉल्व होगी, इस तरह की शिकायत, और मेरे पास मैंने डेली रिपोर्ट आया करेगी कितनी शिकायतें सॉल्व हुई और कितनी शिकायतें सॉल्व नहीं हुई। तो ये ग्रीन डेली ऐप अभी थोड़े दिन के अंदर लॉन्च किया जाएगा।
एक हम वॉर रूम बना रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ। तो ये जितने भी स्टेप्स मैं अनाउंस कर रहा हूं और आगे और बहुत सारी एक्टिविटीज इस युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन के अंदर शुरू होने जा रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग इस वॉर रूम से की जाएगी और डेली रिपोर्ट मेरे पास आया करेगी कि कौन सी एक्टिविटी कितनी सफल हो रही है, कौन सी एक्टिविटी कितनी की जा रही है और कौन नहीं कर रहा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन की एक हम पॉलिसी बना रहे हैं, पेड़ काटे जाते हैं। अभी मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, मान लीजिए आपको कई सारी एक्टिविटी, सड़क बनानी है, सड़क बनाने के लिए आपको पेड़ काटने हैं। कई बार पेड़ काटने जरूरी हो जाते हैं सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी थी कि एक पेड़ अगर कटेगा तो उसके एवज में 10 सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, 10 नए पौधे लगाए जाएंगे। अब वो जो 10 नए पौधे हैं उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पेड़ तो पूरा हरा भरा बड़ा पेड़ था, उसके बदले में 10 सैपलिंग पता नहीं कितने दिन लगे। तो अब हमने ये पॉलिसी ला रहे हैं, अगले हफ्ते 10 दिन में पास हो जाएगी, कि अगर कोई एजेंसी पेड़ काटती है तो उसको उसमें से 80% पेड़ वहां से ट्रांसप्लांट करके नई जगह लगाने पड़ेंगे। तो हमारे पेड़ कम नहीं होने चाहिए, तो वो एक के बदले 10 तो करेगी, इसके साथ साथ जितने पेड़ कटेंगे उसके 80% कम से कम पेड़ ट्रांसप्लांटेशन करके लगाए जाने चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, वो तो मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस की थी, वो देश ही नहीं बताते हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रेस, सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। वो भी बहुत जल्द, पॉलिसी अनाउंस की थी मैंने लेकिन अब लागू हो जाएगी और लोगों को उसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में सब्सिडी मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो दिल्ली के लोग मिलकर, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर लागू करेंगे। आसपास के राज्यों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि अगर हवा खराब होती है तो हवा ये नहीं देखती कि हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल की, बिहार की, हवा तो इधर से उधर जाती है, उधर से इधर जाती है, पोल्यूशन उधर से इधर जाता है, इधर से उधर जाता है। हमको सबको मिलके, जब तक हम सारे मिलके हवा साफ नहीं करेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो दो तीन चीजें मैं आसपास की सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये कि कोशिश करें कि ये जो पराली जलाने का पूरा सिलसिला है, अभी मैंने बहुत किसानों से पंजाब में बात की, किसान कहते हैं जी हम खुद दुखी होते हैं, बोले आप तक तो पोल्यूशन बाद में पहुंचता है, पहले तो हमारे बच्चों के फेफड़ों में पोल्यूशन जाता है, लेकिन हम करें क्या, हमें इसके लिए मदद चाहिए, सरकारों से मदद चाहिए, हमें इसके लिए अगर सरकार मदद करे तो मैं सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला है, हर सरकार अपने अपने स्तर के ऊपर इसका ऑल्टरनेट निकाल के अपने अपने किसानों की मदद करें, ताकि ये पराली जो आज एक समस्या बन गई है, ये पराली एक अवसर बन सकती है, ये पराली किसानों के लिए इनकम का सोर्स बन सकती है। दूसरा, हमारे दिल्ली के लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में 11 प्लांट चल रहे हैं बिजली बनाने के, कोयले से बिजली बनाने के, और इनसे इतना पोल्यूशन आता है, इतना पोल्यूशन, वो दिल्ली में आता है पोल्यूशन। ये 11 प्लांट बिजली के, कोयले के, दिल्ली में 2 कोयले के प्लांट चलते थे, हमने दोनों बंद कर दिए। अब दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जहां पे कोयले का एक भी प्लांट नहीं है, पावर प्लांट, लेकिन हमारी दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर में आसपास के राज्यों में 11 प्लांट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2019 तक इन प्लांट से पोल्यूशन बंद होना चाहिए, अभी तक वो आदेश पालन नहीं हुआ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनमें पोल्यूशन खत्म किया जाए। और दिल्ली के आसपास बहुत सारे ईंटों के भट्ठे चल रहे हैं, वहां से बहुत पोल्यूशन आ रहा है, इनके ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।